हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि NIS अप्रैल 2023 के एग्जामिनेशन के लिए आपके एग्जाम के जो टेंटेटिव डेट शीट हैं वो आ चुके हैं। तो माना जा रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे वो तो 12th में हो, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो आपके मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर मिड में, ऑब्वियस सी बात है कि होना निश्चित है। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल होगी वो कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन से पेजेस यूज़ किए जाते हैं, उसमें मार्क्स कितने नंबर के आते हैं, वाइवा कितने नंबर का होता है, वो सारी डिटेल्स मैंने अपने उस पिछले वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको जानना है कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल है वो कैसे बनानी है तो आपको वो वीडियो देख लेनी है। और डियर स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि मैम हम क्लास 10th में हैं या फिर हम क्लास 12th में हैं, हमने डेटा एंट्री लिया, हमने पेंटिंग लिया, हमने होम साइंस लिया है, तो इसकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है उसमें क्या लिखना होता है या फिर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? सो डियर स्टूडेंट, फाइनली डिस्टिंक्ट स्कॉलर आपके लिए लेकर आ गया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल फाइल के अंदर का प्रैक्टिकल मटेरियल। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है लगातार एक से एक वीडियो जो कि आपके प्रैक्टिकल, आपके थ्योरी एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा आसान करेगी और आपको पास होने में मदद करेगी। सो डियर स्टूडेंट, आप जैसा कि टॉपिक से समझ ही गए हो कि आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल। जी हाँ, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए और डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। तो बस आप हमारे चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपको सभी को पता है कि डेटा एंट्री का कोड होता है क्लास 10th के लिए 229 यानी 229। और डियर स्टूडेंट, इस प्रैक्टिकल फाइल का फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी, और आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको उसके अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है, बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमें फाइल के अंदर आखिर लिखना क्या है। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन आज हम लेकर आ गए हैं। और अगर आपको चाहिए इसका PDF, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर भेजना, वहाँ से आपको हमारी टीम इसके PDF को परचेस करने का ऑप्शन दे देगी। बहुत ही मामूली सा शुल्क चार्ज किया जाएगा आपसे और शुल्क को देते ही आपको इसका PDF मिल जाएगा। और कोई बच्चा अगर चाहता है कि उसको प्रैक्टिकल फाइल बना के हमारे यहाँ से भेजी जाए तो वो उसका भी ऑप्शन आपको डिस्टेंस स्कॉलर दे रहा है। तो आपको उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर भेजना है, आपको हमें बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो वो आपको बनाकर आपके होम एड्रेस पे आपको भिजवा दिया जाएगा। बस आपको उसका ऑर्डर 15 से 20 दिन पहले करना है और उसके लिए एक मामूली से शुल्क चार्ज किया जाएगा। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल, चाहे 10th की बात की जाए चाहे 12th की बात की जाए, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा विद इन 20 to 25 days। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमने डेटा एंट्री के प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से प्रैक्टिकल को लिखा है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी ताकि आप इसको समझ सको, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे इसी प्रैक्टिकल फाइल से हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमने अंदर लिखा क्या, क्योंकि हम तो आंख बंद करके लिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देके इन प्रैक्टिकल को लिखना है। चाहे तो आप मेरे साथ इसको नोट भी करते जाना, चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट लेके आराम से घर बैठ के लिख सकते हो, और PDF का या फिर हैंड रिटन प्रैक्टिकल का ऑप्शन तो आपके पास है ही।
सो डियर स्टूडेंट, और दूसरी बड़ी बात कि राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रखना, साफ सुथरी रखना, क्योंकि पूरा का पूरा खेल आपकी इस प्रैक्टिकल में राइटिंग का होता है, डेकोरेशन का होता है। तो जितनी अच्छी राइटिंग लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मेरे से आप यही कहते रहोगे कि मैम हमने तो पूरा लिखा था फिर भी मार्क्स इतने कम क्यों मिले। तो उसका आंसर आपके पास है डियर स्टूडेंट, आपकी राइटिंग में कमी की वजह से। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है, जो पहला पेज होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि जनरली जो इसके प्रैक्टिकल हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो जनरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, डेटा एंट्री के सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जो आपको बुक में मिल जाएगा, बुक के पीछे मिल जाएगा। और कई बार होता है कि आपके यहाँ जो जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट में एडमिशन लिया होता है उनके घर भी आपके लैब मैनुअल भिजवाए जाते हैं जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो पहला है व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ डियर स्टूडेंट, आप देख के आराम से लिख सकते हो। और डियर स्टूडेंट ये जो आपका प्रैक्टिकल है उसकी वीडियो दो पार्ट में आएगी। पहले इस वीडियो में मैं आपको इस कुछ प्रैक्टिकल लिखवाऊंगी, आप देख के लिख सकते हो, और बहुत जल्दी हम इसका पार्ट टू भी लेकर आने वाले हैं। बस आपको करना इतना है कि हम आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, हमें सपोर्ट करके चलना है। तो हम बहुत जल्द इसका पार्ट टू भी लेकर आएंगे। और डिस्टेंट देखो कुछ पिक्चर्स आपको लगाने होंगे, तो चाहे तो आप इस पिक्चर्स को व्हाइट वाले पार्ट पे भी लगा सकते हो, ब्लैक वाले पार्ट पे भी लगा सकते हो, आप इसको हाथों से भी बना सकते हो। अगर हाथ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो रिक्स बिल्कुल मत लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इसी पिक्चर को पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी साइबर कैफे से या फिर खुद घर पे प्रिंटर से स्कैन करके प्रिंट आउट करके इन पिक्चर्स को लगा सकते हो। और देखो फिर टॉपिक है हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन टॉपिक्स को, तो बस उसी को यहाँ पे ब्रीफ करना है। राइटिंग का खास ख्याल रखना है, राइटिंग अच्छी लिखनी है। तो ये रहा हमारा इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ये देखो। और जितने यहाँ पे एग्जाम्पल थे हमारे इनपुट डिवाइसेस को, मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल था कीबोर्ड, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कीबोर्ड को एक्सप्लेन करके रखा है। और डियर स्टूडेंट हमारे नंबर को अपने मोबाइल फीड करिए, और किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें बेझिझक होके मैसेज कॉल आप कुछ भी कर सकते हो, और मिलेगा आपको वहाँ से आपके समस्या का पूरा समाधान। इसके अलावा नीचे आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो हमारी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है कि नहीं, वो भी मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। वीडियोज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करो। और डियर स्टूडेंट हमारे वी चैनल पर लगातार चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, चाहे टेंथ की बात कर ली जाए, ट्वेल्थ की बात कर ली जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। और ये रहा आपका ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के आंसर हैं, इनको लर्न भी करते जाना, ये आपके थियोरी एग्जामिनेशन में भी काम आ जाएंगे और आपके प्रैक्टिकल में तो काम आएंगे ही आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है इनको, आप देख के लिख सकते हो। और यहाँ पर है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है डियर स्टूडेंट। कई बार आप कंफ्यूज होते हो उसको आउटपुट डिवाइस में लिख कर आते हो, बट ये आपका इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एक है आपका बारकोड रीडर्स। तो ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस थे, मैंने लिखा यहाँ पर, आप देख के लिख सकते हो। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पिक्चर्स पेस्ट किया है इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के, आप चाहे तो इसको हाथ से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कर सकते हो, अट्रैक्टिव लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से ही इसको साइबर कैफे से या फिर खुद से ही इसको प्रिंट आउट करके स्कैन प्रिंट आउट करिएगा। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट अच्छा नहीं होता, इम्पैक्टिव नहीं होता है, तो आप कोशिश करिएगा इसको स्कैन करके कलर प्रिंट आउट करवा के लगाने का। इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, तो आपको अभी यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना है। तो सेम तरीके से हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट द यूजेस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, एंड देन
एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ तो हो सकता है वीडियो की लेंथ है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आप किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज हो सकता है आप कुछ पॉइंट्स लिखना भूल जाओ और मार्क्स आपके वहीं पे कट जाएं। तो यहाँ पे हमने दिया है एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, और फिर से हमने वही किया है कि आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे आप याद भी करते जाना, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल, आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल, हेडफोन्स, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। एंड देन आपको यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के पिक्चर्स को कलेक्ट करके लगाना है। ये आपको हो सकता है कि आपकी पुरानी बुक्स में भी मिल जाए तो आप इसको वहाँ से भी कट करके लगा सकते हो, अदरवाइज तो आपके पास हजार ऑप्शन है, फ़ोन से किसी भी तरीके से आप इसको लेकर के पेस्ट कर सकते हो। पिक्चर लगाना मत भूलना, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे लिख देते हैं पर पिक्चर नहीं लगाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नंबर कटने का रीज़न होता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से करोगे तो नंबर पूरे पूरे मिलने के, अच्छे मिलने के चांसेस आपको बन जाएंगे। और यहाँ पर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप देखो सॉफ्टवेयर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और अगर आप कंप्यूटर लिया है, आपने डेटा एंट्री लिया है, तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको याद करना, इनकी डेफिनेशन को याद करना, एग्जाम्पल को याद करना, टाइप्स को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अहम हो जाता है। अभी यहाँ पे टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने तरीके के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों बिल्कुल परेशान मत, तो बहुत जल्दी आपके लिए हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो दो तरीके के यहाँ पे सॉफ्टवेयर है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसको देखो हमने यहाँ पे लिखा, एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, बहुत जल्दी उसकी वीडियो आपके अपने खुद के चैनल पर आने वाली है, जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। डिस्टेंस स्कॉलर आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में हमने आज ये प्रैक्टिकल के वीडियोस स्टार्ट किए हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल हो, हेल्प करे, अच्छी लगे। ये बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो एक ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट का, व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो हमने यहाँ पे इसको पहले एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, व्हाट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, एंड फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या डिफरेंस है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट देखो यहाँ से लिखो, राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी, मैं बार बार कह रही हूँ राइटिंग बिल्कुल अच्छी रखना। कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, कोई भी वर्ड समझ में ना आए, तो आप हमें मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कमेंट करना, कुछ भी करना, आप वहाँ मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और डियर फ्रेंड जाते आते हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और कोई फ्रेंड अगर आपका है जो कि प्रैक्टिकल के लिए परेशान है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए परेशान है, तो आप हमारे चैनल का सजेशन देना, हमारी वीडियोज़ को फॉरवर्ड करना। और डियर फ्रेंड ये था इसका पार्ट वन, बहुत जल्दी हम इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, जहाँ पर मिलेगा आपको इससे आगे का प्रैक्टिकल, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तब तक आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप उसको देख के लिख सको। और पीडीएफ के लिए या फिर हैंड रिटन प्रैक्टिकल के लिए हमें नीचे कमेंट करो, हमें व्हाट्सएप करो। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, लोगों की हेल्प करते रहना, पढ़ाई जारी रखे रहना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।